दोस्तों दुनिया में बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर आप एक ढूंढेंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। इनकी बेवकूफी भी ऐसी होती है कि इनके लिए इनको बेवकूफी का मेडल भी दे दिया जाए तो वो भी कम है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बेवकूफ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिनको देखकर आप पेट पकड़ के हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टाइटल है मोस्ट स्टूपिड पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। दोस्तों सबसे पहले आप इन मोहतरमा को देखिए जो पेट्रोल को पन्नी में भर के ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पन्नी नीचे से फटी होती है और पेट्रोल बहने लगता है, जिसके बाद वो पेट्रोल की पन्नी को दूसरी पन्नी में डाल देती हैं और उसको गाड़ी के डिग्गी में रख लेते हैं। दोस्तों एक तो मोहतरमा ने पहले ही गलती की और उसके बाद पेट्रोल को गाड़ी के डिग्गी में रख रहे हैं। दोस्तों इस बेवकूफी से इनकी जान तक जा सकती है, लेकिन कौन समझाए ऐसे बेवकूफ लोगों को। दोस्तों जनवरी 2022 के दौरान कुछ मीडिया रिपोर्टर्स एक्ट्रेस उर्फी जावेद की फोटोज कैप्चर कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास फोटो खिंचवाने एक फैन आया जिसने अपने मुंह में गुटखा भरा हुआ था। उसके बाद वो अपनी स्टूपिड हरकत के चलते कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और एक्ट्रेस पेट पकड़ के हंसने लगे। जिसके बाद मीडिया रिपोर्टर्स ने कहा कि भाई एक बार और थूक दो, तो उसने दोबारा भी थूक दिया। नाइस फैन। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब वो घूम के दोबारा फोटो खिंचवाने आ गया। उंगली छूटी बल नहीं गया। अरे शायद कुछ लोगों को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है। दोस्तों अब इस महिला से मिलिए जिसको उसके बर्थडे पे उसके पति ने 100 पाउंड यानी कि लगभग 10,000 रुपए हीलियम बलून में बांध के दिए, जिसको जैसे ही उस महिला ने खोला वो बलून पैसे लेकर हवा में उड़ गया। महिला ने पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया और उनके जन्मदिन वाले दिन ही उन्हें 10,000 रुपए का चूना लग गया। ऐसे ही दोस्तों कुछ इन दादी के साथ भी हुआ। इन्होंने जैसे ही अपना गुब्बारा खोला उसमें बंधे पैसे पलक झपकते ही हवा में चले गए, जिसके बाद इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। दोस्तों अब इन दो लड़कियों को देखिए जो बंदर के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी बंदर ने अपना असली रूप दिखा दिया। वो तो एक खुशनसीब थे, नहीं तो बंदर इनके पैर पे अपने दांत गड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगाता। दोस्तों अब इन मोहतरमा से मिलिए जो अपनी एसयूवी कार के शीशे पे इसलिए हथौड़ा मार रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कार की चाबी अंदर ही रह गई है। लेकिन वो कार का दरवाजा चेक करती हैं तो वो खुला ही होता है, जिसके बाद ये मोहतरमा अपने दांत दिखाकर अपनी ही बेवकूफी पे हंसती हैं। वो तो दोस्तों शुक्र है कि कार के शीशे पे कुछ स्क्रैचेस आए, अगर ये टूटता तो इनको इनकी बेवकूफी भारी पड़ जाती। दोस्तों अब इस महिला से मिलिए जो एक के बाद एक स्टंट करते ही जा रही है और फ्लिप मार के उस कोने से इस कोने पे आ रहे थे, लेकिन तभी इनका बैलेंस बिगड़ा और इनका मुंह सीधे गोबर में जाके लगा, जिसके बाद वहां खड़े लोग इनके खिल्ले उड़ाने लगे। दोस्तों ये दो फीमेल एंकर्स एक टीवी विज्ञापन कर रहे थे, उसमें ये मैट्रेस यानी कि बेड पे बिछाने वाले गद्दे का विज्ञापन कर रहे थे और उसकी खूब तारीफें भी कर रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों गद्दे पे चढ़ी और गद्दा बुरी तरह से फट गया। हालांकि उन्होंने इस टेलीकास्ट को काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लाइव चल रहा था और लोगों के सामने सस्ते गद्दे की हकीकत आ गई। दोस्तों लड़कियां जब इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं तो वो काफी ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसे ही ये मोहतरमा भी काफी जल्दबाजी में थी, जिसकी वजह से ये अपने फोन को ट्राइपॉड में ठीक से नहीं लगा पाई और वो पानी में जा गिरा। दोस्तों फरवरी 2017 में राजस्थान के पुष्कर से ये वीडियो सामने आया जिसमें एक विदेशी पर्यटक नशे में धुत नजर आई। अब किसी फॉरेनर लड़की को इस तरह की हालत में देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन इसी बीच लड़की वहां खड़े लड़कों से मस्ती करने लगे और नशे का सामान मांगने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई, लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे पुलिस वहां से ले गए।
दोस्तों ये महिला बीच सड़क पे अपनी गाड़ियों को रोककर रकून को डराना चाह रहे थे, लेकिन वो तो डरा नहीं, उल्टा उसने इस महिला को ही डरा दिया। और हद तो तब हो गई जब वो महिला अपना वजन ही नहीं संभाल पाई और आगे जाकर जमीन पे गिर गए। दोस्तों चारकोल फेस मास्क के जरिए आजकल लड़कियां अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं, लेकिन कई बार यही मास्क लड़कियों को दिन में तारे भी दिखा देता है। ऐसा ही कुछ हुआ कैटलिन विल्सन नाम की यूट्यूबर के साथ भी, जो अपने सब्सक्राइबर्स को ब्यूटी टिप्स दे रहे थे, साथ ही अपने चेहरे पे चारकोल फेस मास्क भी लगा रहे थे। लेकिन जब मास्क को छुड़ाने की बारी आई तो इनको सच में ही दिन में तारे देख गए। ऐसा ही कुछ इन भाई साहब के साथ भी हुआ, जिन्होंने मजे मजे में ये चारकोल मास्क लगा तो लिया, लेकिन जब उसको उतारने की बारी आई तो इनकी भी हालत खराब हो गई। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनके पास दिमाग की कमी होती है। ये जनाब भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कन्याओं को देखकर स्वैग मारने के चक्कर में अपनी कार से बाहर निकल जाते हैं और अपनी मेड इन इटली लैम्बोर्गिनी की विंडशील्ड पे चढ़ जाते हैं, लेकिन विंडशील्ड मेड इन चाइना निकले जो तुरंत छटक गए। लेकिन इनके चेहरे पे फिर भी मुस्कान थी क्योंकि साइड में खूबसूरत कन्याएं जो खड़े थे। दोस्तों इस स्वैग के चक्कर में लड़के ही नहीं, कई बार लड़कियां भी धोखा खा जाते हैं। इन मोहतरमा को देखिए कैमरे के आगे कितना स्वैग मार रहे थे, लेकिन तभी इनकी अकल ठेकाने लग गए। एक झलक इन मोहतरमा के ऊपर भी डाल लीजिए, जो खाली बॉक्स पे बैठ गई और गुल्लक तोड़वा बैठी। दोस्तों कोलंबिया की एनाडेल कास्टेलो नाम की ये सिंगर अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए खूब मशहूर हैं। ऐसे ही अपने कॉन्सर्ट के दौरान इन्हें इतना गुस्सा आ गया कि इन्होंने अपने एक फैन पर ड्रिंक फेंक दी और उस फैन ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उनको स्नो स्प्रे से नहला दिया। हालांकि बीच में उनके बॉडीगार्ड्स भी आ गए, लेकिन वो भी क्या करते, गलती तो मैडम की थी। वैसे दोस्तों इस फैन ने सिंगर की सारी अकड़ निकाल दी। दोस्तों कई बार जल्दी सेलिब्रेट करना भी भारी पड़ जाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको इस क्लिप को देख के पता चल जाएगा। दोस्तों पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की मूर्खता तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन हम जो पाकिस्तानी रिपोर्टर आपको दिखाने वाले हैं उनकी मूर्खता का लेवल ही कुछ और है। दोस्तों इनसे मिलिए, जैसे ही लड़के ने कैमरे में सलाम किया तो रिपोर्टर ने अपना काम छोड़कर उसकी खातिरदारी कर दी। अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं जी, जी। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, इन मोहतरमा से मिलिए और इनका बेबाकी से बोलने का अंदाज सुनिए। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंग में कत्ल होने के क्या बोला तूने? डॉक्टर इमरान फारूक के लंग में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लंग बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? प्यारी समझ गई। दोस्तों इनके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये जना बंजी जंपिंग करने वाले थे, जिसके लिए काफी एक्साइटेड भी थे, लेकिन इन्होंने जैसे ही बंजी जंपिंग की उसी दौरान इनका आईफोन नीचे गिर गया और कुछ सेकंड्स में ही इन्हें पता भी चल गया कि इनका आईफोन नीचे गिर के चकनाचूर हो गया है और फिर इनकी एक्साइटमेंट को जिस तरह दुख में बदल गए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये तीन महिलाएं इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन तभी सबसे पीछे खड़ी मोहतरमा इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसका आईफोन ही पानी में गिर जाता है। दोस्तों कई बार बड़े बच्चों जैसी हरकत करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर जो बचपना छुपा होता है वो उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर उनकी बेवकूफियत आ जाती है। दोस्तों क्या जरूरत थी इन्हें झूले पे ऐसे स्लाइड करने की। ऐसे ही आप इस मोटे को भी देखिए, जो वाटर स्लाइड से स्लाइड करते हुए नीचे जाता है और आगे हवा में इसकी हालत खराब हो जाती है। ले वाली हो मार। दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि ये शख्स स्लाइड करते समय काफी डरा हुआ था,
अब जब आपको ऐसी चीजों से डर लग रहा है तो आप अपने पहाड़ जैसे शरीर को लेकर ऐसी हरकतें करते हैं क्यों? दोस्तों इन जनाब को देखिए, जो बियर को कार के गेट के शीशे से खोलकर अपनी अकलमंदी का सबूत दे रहे थे, लेकिन तभी बियर तो खोले नहीं, उल्टा इनकी कार के गेट का शीशा ही टूट गया। दोस्तों यहाँ तो शीशा टूटा, लेकिन यहाँ देखिए इन भाई साहब ने तो अपनी बॉटल ही तोड़ डाली। और ये देखिए, ये अपनी बॉटल को खोल किससे रहे हैं, मतलब यार बेवकूफ लोगों की तो कोई कमी नहीं है। दोस्तों अब इन मोहतरमा को देखिए, जो घर पे पोल डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी पोल उखड़ के इनके हाथ में आ गया। दोस्तों इस समझदार इंसान को देखिए, जो कांच के टेबल पे तरबूज को रख के तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन होता उसके साथ कुछ ऐसा है। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि तरबूज तो कटा नहीं, उल्टा उसकी टेबल का कांच चकनाचूर हो गया। दोस्तों ये मोहतरमा मुंह पे फेस मास्क लगा के अपनी ड्रेस के साथ अपना स्वैग दिखाई रही होती हैं कि तभी इनका इनके फॉलोअर्स के सामने पोपट हो जाता है। दोस्तों अब इस लड़की को बेवकूफ कहा जाए या फिर इसकी किस्मत को खराब कहा जाए, वो आप सोच के कमेंट कर देना। दोस्तों अब इस लड़की को देखिए, जो गाड़ी के शीशे में अपने चेहरे को देखकर नाक साफ करने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है और लड़की अपनी बेइज्जती कराने के बाद वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों बहुत कम ही लोग होते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। शायद इन्हें भी ये उम्मीद थी कि ये प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद आज इनका ये भ्रम भी दूर हो ही गया। दोस्तों अब इस क्लिप को देखिए, ये जिसका भी जुगाड़ है उसको सलाम यार। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक बार को तो हमें भी नहीं पता चला ये सीधा चल रही है या उल्टा। दरअसल दोस्तों इस शख्स के चेहरे पे जो मकड़ी चल रही है वो रियल नहीं है, वो आईफोन के ऐप का कमाल है। लेकिन जब इन्होंने इस कमाल के ऐप के साथ अपने पापा के साथ प्रैंक किया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इनमें से सबसे ज्यादा मजेदार क्लिप आपको कौन सी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्यादा कैमरा कॉट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।